जी मेरी बेटी है, उम्र उनकी हो गई है 38 साल, और शादी उनकी नहीं हुई है, और उसके अलावा वो अब नफ्सियाती मरीजा बन चुकी हैं, और क्या नाम लेते हैं, दवाई नहीं खाती और इलाज नहीं कराती। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल उन्हें दौरा हुआ हुआ है तो वो कहती है मुझ पे किसी ने कोई जादू किया हुआ है, और वो अपने पे बस कुरान पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है मुसलसल, और कपड़ा उठा के झटकती रहती है, झटकती रहती है, दवाई नहीं खाती है बिल्कुल भी, कहना नहीं मानती है बिल्कुल भी। आप एक काम करें, उसकी नियत करके दो वजीफे कर लें, उसका ये नफ्सियाती मसला भी हल होगा और शादी भी होगी। जी लेकिन यह थोड़ा अरसा नहीं, कुछ अरसा लगातार करेंगे। उसकी नियत करके बैतुल खला की दुआ सैकड़ों, हजारों, लाखों, 1 सवा लाख, 2 सवा लाख, 3 सवा लाख पढ़ें उसकी नियत करके। एक तो ये करें, और दूसरा जो जी है, दो नफिल हाजत के और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन वाला जोर लगा के, ध्यान तवज्जो बहुत गिड़गिड़ा के, ये सुबह शाम, वरना दिन में एक दफा आप ये कर लें, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, आपको बहुत नताइज, बरकात और खैरें मिलेंगी और शादी की राहें और उसकी जहनी उलझनें, बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और बाकी जो आप वज़ाइफ ये कर रहे नफसियाती, हैं उनका भी आपको फायदा इंशाल्लाह, उनकी भी इजाजत है। आप मुझे ये बताइए कि ये नफसियाती मरीजा हैं या इन पे कुछ असर है? बहुत ज्यादा असर है और सारे घर पे असर है, बहुत ज्यादा असर जी, है और सारे घर पे असर है। क्योंकि ये डॉक्टरी इलाज बिल्कुल नहीं कर रही है, दवाई नहीं खाती है, 3 दफा हॉस्पिटल जमा हो चुकी है, जी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इनके साथ क्या करूं, मेरी जिंदगी इनको लेके पूरी बिखर गई है, आप यकीन जानिए। आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करम होगा दुआ कीजिए मेरे हक में, इंशाल्लाह। जो बैतुल खला की दवा है, पाकी ना पाकी में मुसलसल बस पढ़ते रहना जी सुबह शाम, जी 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 आप मुसलसल इसको और दो पढ़ें। नफिल हाजत के वो भी पढ़ते रहना है बस मुसलसल, जबकि रोज दिन में एक दफा। हाँ जी, ये आप पढ़ें, इंशाल्लाह करम होगा। जी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा।